ये मशवरे की मजलिस है, राजनीति का मजलिस नहीं है। मुसलमानों को मशवरे की जरूरत क्या है, क्यों इस मजलिस की जरूरत है? हम तो गांव-गांव जाकर आपसे मिल ही रहे हैं, फिर आपको इतना कष्ट देकर आपके गांव से, आपके शहर से वापस यहां क्यों बुलाया गया? ये इसलिए कि आज अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो वो देश का, बिहार का मुसलमान है। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये पैगंबर साहब ने आपको बताया, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है। इसलिए आज आपको ये तकलीफ दी है, आपको यहां पर दावत दिया है, आपको बुलाया है। मुसलमानों को मशवरा इसलिए करना है कि आपके हदीस में पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की, और आज आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। आपके हदीस में बताया गया है, अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, पढ़ाई की, परवरिश की आप वो नहीं कर पा रहे, तो मशवरा इसलिए करना है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ताकि मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बे कल लजी खलक, उसका पहला शब्द, इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है, आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से CNRC का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है, इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए मशवरे की जरूरत है, इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है, कि मिलकर मशवरा करके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इन बातों पर अमल किया जा सके। मैं प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका रहनुमा न हूं न होने का दावा करता हूं। जन सुराज कोई दल नहीं है, जन सुराज वो व्यवस्था है, वो सोच है कि इन सारे मशवरे के बाद जो चीज तय की जाए उसको ईमानदारी से जमीन पर अमल किया जा सके। इसलिए आज आपको बुलाया है।